लेकिन अक्सर लोग इसकी तरफ इल्म नहीं रखते, तवज्जो नहीं देते कि ये तमाम की तमाम चीजें किसी मकसद के तहत पैदा की गई हैं। देखें जी, हर बंदा अपनी तरफ सोचे, अपने दिल में सोचे, मुझे इससे कोई गर्द नहीं है, सूरज का क्या मकसद है, चांद का क्या मकसद है, पत्तों का क्या मकसद है, छिपकली का क्या मकसद है, शेर का क्या मकसद है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मुझे अल्लाह ने किस मकसद के लिए पैदा किया। क्यों? जिस हस्ती ने मुझसे पूछे बगैर मुझे पैदा कर दिया, यार मैं इतना लाचार हूं, मुझसे पूछे बगैर उसने मुझे बना दिया। अगर मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी पैदाइश के मकसद को ना समझा तो वो हस्ती मुझे अजाब में भी गिरफ्तार कर सकती है और उस हस्ती से मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। डर जाना चाहिए, बड़ा खौफ आता है कई बार, अल्लाह ने पूछे बगैर हमें बना दिया। और अल्लाह तबारक व तआला इसी चीज की तरफ कुरान पाक में तवज्जो दिला रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 115। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा, क्या तुम गुमान करते हो हमने तुम्हें फजूल पैदा किया है? तो यार तुम कोई काम फजूल नहीं करते हो, तो अल्लाह तो कामिल जात है, उसने ये फजूल काम किया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाउन, और क्या तुम्हें लौट कर हमारी तरफ नहीं आना? मुराद यह है कि बच्चों तैयार हो जाओ, तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया गया और तुमने हमारे पास आना, फिर हम तुमसे हिसाब लेंगे। और वो मकसद, इंसान सबसे सीरियस क्रिएशन है इस कायनात की, ये सारी कायनात इंसान की वजह से पैदा हुई है। और इस हकीकत को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया, सूरह हूद की आयत नंबर 7 में फरमाया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ध फी सित्तति अय्याम, वही है अल्लाह जिसने आसमानों जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। वकान अर्शुहु अलल मा, उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें जांचे कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है। तो जमीन और आसमान की पैदाइश का मकसद यह है कि इंसान को जांचा जाए कि इनमें से अच्छे अमाल कौन करता है। इंसान जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की क्रिएशन का शाहकार है, सबसे सीरियस क्रिएशन जो है वो इंसान है, ये सारी कायनात इंसान की वजह से बनी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फाइनली बिल्कुल इसको कहते हैं उरिया करके ये चीज बता दी कि इंसान का मकसद क्या है। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 से 58 तक, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वमा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो मेरी ही इबादत करें। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज्क वमा उरीदु अन युतइमून, ओए मैं तुमसे ये तो नहीं मांगता कि मुझे रिज्क दो या मुझे खाना खिलाओ। देखो कितना दर्द का अंदाज है, लोगों मैं तुमसे ये नहीं मांगता ए जिन्नों इंसानों कि तुम मुझे रिज्क दो या मुझे खाना खिलाओ। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें भी रिज्क देता है और वो जोरावर है, जबरदस्त है। तो कितने, जिसको कहते हैं ना कि बच्चों के लेवल की एग्जाम्पल दिए, मैं तुमसे रोटी नहीं मांगता कि मुझे रोटी दो, यार मेरा ये एक मकसद पूरा करो और तुम्हारा ही भला है इसके अंदर कि तुम मेरी इबादत करो। अब उस इबादत का पैटर्न भी कोई होना चाहिए, हर बंदा अपने तरीके से इबादत शुरू कर दे तो कोई उसमें यूनिटी नहीं आ सकती, और हो सकता है हम इबादत के ऐसे तरीके अडॉप्ट कर लें जो अल्लाह को पसंद ना हो। तो इबादत के लिए अल्लाह ताला ने कायनात में नमूना बनाकर भेजा अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिलसिला नबूवत बिल आखिर इमाम आजम, इमाम कायनात, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ। और अल्लाह ताला ने हदायत, कामिल हदायत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को काफी दफा कुरान में रिपीट किया है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, कि अल्लाह ही है वो जिसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत और दीन हक के साथ मबूस फरमाया ताकि इसको तमाम अदियान पर गालिब कर दे। वलौ करिहल मुशरिकून, चाहे जो मुशरिक हैं इसका बुरा माने। कि जन्नत में एक एक दरख्त ऐसा है कि अगर एक घोड़ सवार 100 साल तक, सही बुखारी में आता है, 100 साल तक घोड़े पे भागता रहे उसके साय से बाहर नहीं निकल सकता। ये जनाब साइज है एक दरख्त का, सर एक दरख्त का। तो कायनात फिर कितनी बड़ी है।
बुखारी मुस्लिम में आता है, जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ना दोजख से निकाल के, वो सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा। लाखों करोड़ों साल दोजख में जलेगा, जब उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे दोजख के अजाब के, बस और बस उसके उसके पल्ले सिर्फ ये नेकी होगी, उसने जिंदगी में एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, बस ये कलमा उसने पढ़ लिया होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या अपने भी वक्त के पैगंबर पे जो अपने जमाने में उम्मतों के थे उन पे ईमान लाए होंगे। तो जैसे ही उसको बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं दोजख से निकाला जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ भाई तेरे लिए जमीन से 10 गुना बड़ी जन्नत। तो कहेगा ये अल्लाह तो खुदाओं के मेरे साथ मजाक करता है। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान के लायक मुस्कुराएगा उसकी बात के ऊपर, अल्लाह फरमाएगा मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बात है कि जो ये रूए अर्ज है, ये जो मेडिकल प्लैनेट अर्थ है, इससे 10 गुना बड़ी जन्नत है उस शख्स के लिए जो सबसे आखिरी दर्जे का जन्नती। और सर जो शुरू में चले जाएंगे उनकी जन्नतों का कौन अंदाजा लगा सकता है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि जन्नत में एक दर्जे वाला अपने से ऊपर वाले दर्जे को यूं देखेगा जैसे तुम सितारे देखते हो, और वह फर्क एक नेकी का होगा, एक नेकी का, और ये दर्जों का। ये तो सर आप हमें जब साइंटिस्ट बता रहे हैं ना गैलेक्सीज की तादाद, और बता रहे हैं जी 2.5 अरब गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज और उसके साथ जमीने हैं, तो ये अल्लाह ने पूरा इंतजाम किया हुआ सर। इस वक्त भी जितनी कायनात डिस्कवर हो चुकी है ना, अगर यही जनतियों में बांट दी जाए ना तो ये भी उससे बड़ी है। अल्लाह ने तो क्या कुछ पैदा कर दिया। इसीलिए कुरान हकीम में आता है ना कि तुम्हारे रब के लश्करों को कोई नहीं जानता उसके सिवा। हम तो ये नहीं मखलूकात का इहाता कर ही नहीं सकते जो कुछ अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। तो अल्लाह ताला हमारा है कि टहनियों वाले दरख्त होंगे उन जन्नतों के, फबिया फीहिमा ऐनानि तजरियान, उन बाहों में दो चश्मे जारी होंगे, फबिअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान, और उन बाहों में हर तरह के मेवों की भी दो दो किस्में होंगी, हर मेवे की दो दो किस्में होंगी। अल्लाहु अकबर। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकीन अला फुरुशिन बक़ाइनुहा मिन इस्तबरक, जो जन्नती हैं वो तकिया लगाए बैठे होंगे बिस्तरों पर जिनके अस्तर जो हैं वो गाढ़े रेशम के होंगे, वजनल जन्नतैन दान, और दोनों बाहों का फल नीचा झुका होगा। ये नहीं है कि जनाब आप वो दरख्त इतने बड़े बड़े हैं तो जनाब आपको कोई सीढ़ी लगा के या किसी ड्रोन में बैठ के जाना पड़े, नहीं, टहनी लटक रही होंगी, बल्कि इशारा करेंगे तो टहनी अपने पास आ जाएगी और आप उसको फल को तोड़ के खाएंगे, क्योंकि जन्नत को तो फना नहीं है, आपके तोड़ के खत्म होगा एक और वहां पर लग जाएगी। जन्नत में कोई चीज खत्म नहीं होनी सर, जितना मर्जी खाओ पियो खत्म कोई चीज नहीं होनी, जो आप खाएंगे ना आप, अच्छा और आपको भी तकलीफ से आजाद कर दिया, कोई पेशाब नहीं है, कोई पखाना नहीं है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, एक खुशबूदार डकार आएगी सब कुछ हजम, और कोई कब्ज वाला मामला नहीं होगा, कोई पेट खराब होने वाला नहीं होगा, वहां अपने आप लज्जत के लिए खाएंगे और भूख भी नहीं होगी, भूख के बगैर भी लज्जत की वजह से आप खाना खाएंगे और लज्जत की वजह से आप जितना मर्जी, यहां पे भी लोग भूख के बगैर लज्जत के लिए कितना कुछ खा जाते हैं, कहते हैं मैं तो उन्हें खाना खा के आया तो रखो तो फिर दो प्लेटा खा जाते हैं, ठीक। इधर भी इतने लोग मौजूद हैं, बाद में जो कुछ भी बेचारों के साथ होता रहे तो वो एक लादा बात है, लेकिन वहां पर यह कुछ नहीं होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, उन जन्नतों में नीची निगाहों वाली हूरें होंगी जिनको ना किसी इंसान ने छुआ होगा ना किसी जिन ने इससे कब्ल। अच्छा, इन आयात से अब यह भी पता चल गया कि जिन्नों के लिए भी एक जन्नत है और इंसानों के लिए भी जन्नत है। जिन्नों के लिए जाहिर है उनकी रिक्वायरमेंट्स अपनी है, आपको पता है सही बुखारी में आता है सही मुस्लिम के अंदर के नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है कि आप गोबर या हड्डी के साथ स्तंजा ना करें क्योंकि जिन्नों की खुराक है इसके अंदर, हमारी खुराक तो गोबर या हड्डी के अंदर नहीं अल्लाह ने रखी हुई है। तो जिन्नों की आराइश का, उनकी जो ख्वाहिशात का सामान अलग से है, उनकी जन्नत अलग है, इंसानों की जन्नत अलग है, लेकिन उनके लिए अपनी जिन्नियाँ होंगी, थोड़े से थोड़ियाँ जिन्नियाँ होंगी वहाँ, लेकिन जिन्नियाँ नहीं होंगी वहाँ पे, बड़ी शरीफ किस्म की बीवियाँ होंगी जी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान
كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ, اور یہ جنتی عورتیں ایسی ہوں گی گویا یاقوت اور مرجان ہیں. وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ یعنی ایسی ٹرانسپیرنٹ حوریں ہوں گی کہ ان کی جو پنڈلیاں ہیں, پنڈلیوں کے پیچھے ہڈیوں میں جو گودا ہے نا, وہ بھی ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ تو خیر ان چیزوں میں شاید کوئی اتنی اٹریکشن نہ ہو کہ کوئی شیشے کی کوئی حور بن کے سامنے آ جائے. وہاں کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہیں, وہاں کے لیے وہاں جا کے پتہ چلے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ, احسان کا بدلہ بجز احسان کے کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ آئے 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 آئے. یہ اللہ ہی کا ہی فضل ہے سر. اس کی اس آیت کا جو سوز و گداز ہے نا, وہ ایک عربی سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے زندگی میرے لیے گزاری, جس نے میرے لیے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں, حلال و حرام کی تمیز کی, روکی سوکھی کھا لی, میری وجہ سے اسے دنیا میں نمازوں کی مشقت اٹھانی پڑی, روزوں کی مشقت اٹھانی پڑی, جس نے اتنا احسان کیا ہے, اللہ پہ تو نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے اس طرح کا احسان کیا ہو تو کیا اس کا بدلہ میری طرف سے احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی احسان کروں؟ حالانکہ ہم نے اللہ پہ نہیں احسان کیا ہوا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی ہے کہ وہ قدر کرتا ہے انسان کہ بتاؤ اس احسان کا, اس نیکوکاری کا بدلہ کیا نیکوکاری کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جو تم نے نیکوکاری کی تو میں تمہارے ساتھ وہی نیکوکاری کروں گا, یعنی مراد یہ کہ جنت دوں گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے جن و انس کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا سب سے بڑا گلدستہ کہاں پہ ہے؟ سورۃ الحشر کی آخری تین آیات, واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ ہو الرحمن الرحیم, واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون, هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى, ما به يا له الاسماء الحسنى, يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اور یہ تو بڑا تگڑا نام ہے اللہ کا, العزیز الحکیم. یہ عزیز کو بیلنس کیا ہوا ہے حکیم نے, العزیز غالب سب پہ چھایا ہوا, حکیم ہے حکمت کے ساتھ چلتا ہے, ورنہ جب چاہے کسی میں روڑ دے تم لوگ. ہاں العزیز برداشت کرتا ہے اس کی حکمت. اور سر ہمارے لیے خوشخبری ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ ایک عبارت لکھ لی تھی, میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی. وہاں اللہ نے بیلنس نہیں, رحمت ٹھیک ہے وہ, یہ ہمارے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے سر. یہ عدل اور رحمت برابر بھی ہوتے ہیں نا تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہوتی. وہ جو شعر ہے نا, عدل کرے تھا تھر تھر کمڑ اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تھے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. تو اللہ سے عدل نہیں اس کا فضل مانگنا چاہیے, اور چونکہ اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر بھاری ہے, یہ ہمارے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے, بہت بڑا ایسٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے اس کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ آپ نے ایک شخص کو سنا, ترمذی میں ابو داؤد میں, وہ دعا مانگتے ہوئے نا سٹارٹ میں کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ نے فرمایا اس نے اللہ کو ان اسماء کے ساتھ پکارا ہے کہ اللہ تعالیٰ معروف نہیں کبھی لوٹاتا. پھر جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کے اسماء اعظم ان دو قرآنی آیات میں ہیں, سورہ بقرہ اور آل عمران کی, وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی القیوم اسماء اعظم ہے, آیت الکرسی میں بھی آتے ہیں اسماء اعظم. تو ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یونس کی دعا سے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کبھی محروم نہیں لوٹے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سر کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ سید الاستغفار ہے, دعا
दुनिया में अपनी कमजोरी अपने रब के सामने मांगने के लिए बेस्ट अल्फाज, आसान तरीन, मुख्तसर तरीन यही है, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सुबहानक, तू तो पा गया, तू गलती नहीं करेगा, इन्नी कुंतु, मैं तो गलती करूंगा, मैं तो इंसान हूं ना, तो बस माफ कर दे। सर ये चीज ऐसी ट्रिगर की है अल्लाह को कि एक शख्स ने जिस पे अल्लाह का गुस्सा ऐसा है कि सूरह अस्साफात में आया कि अगर यूनुस मछली के पेट में हमें उन अल्फाज के साथ ना पुकारता तो उस दिन निकलता जिस दिन मुर्दे अपनी कब्रों से निकलेंगे। इतने गुस्से वाले मामले में भी वो गुस्सा ऐसा ठंडा हुआ, वो कौन सी दुआ थी? यही थी। और दुआ कैसी ट्रिगर किया? अल्लाह मैं इंसान हूं ना, तो गलती तो करूंगा, तो तू तो गलती नहीं करता, तो माफ कर दे फिर मुझे, सॉरी। क्या बेस्ट दुआ है। और फिर तिर्मिज़ी में अल्फाज हैं, जो शख्स ये दुआ, और कुरान में भी है, कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, अल्लाह हर मोमिन को निजात देगा जो इस दुआ के साथ अल्लाह की तरफ दुआ। लेकिन सर खाली दुआवां नहीं, आयत करीमे दे खत्म नहीं, सवा लाख दफा ना, वाकई अंदर से फिर आए ला इलाहा इल्ला अंत, वाकई उसको फिर इलाह माने, अपनी कमजोरी का इजहार करें और अंदर से भी बदलने की नीयत करें। मुझे डॉक्टर सार साहब की बात अक्सर याद आती है, वो कहते हैं कि हम लोग कई बार दुआ कर रहे होते हैं ना कि अल्लाह मैं नेक बना दे, अंदर से डर रहे होते हैं कहीं बना ही ना दे, क्योंकि बना दिया तो मैं माशरे का सामना कैसे करूंगा, लोग कहेंगे इसको क्या हो गया है, ये तो फनेटिक हो गया है। तो कहते हैं जब तक ये वसवसा दिल में, फिर नेक नहीं किसी ने बनना, जो अंदरू चाहता है ना कि मैं नेक बना टिड्डू, वही बनेगा, वरना कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, वो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बादशाह हकीकी, हर ऐब से पाक, सलामती देने वाला, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, जबरदस्त, बड़ाई वाला। अल्लाह मुशरिकों के शिर्क से पाक है। वही अल्लाह तमाम मखलूकात का खालिक, ईजाद इख्तिरा करने वाला, सूरतें बनाने वाला, उसके सब अच्छे से अच्छे नाम हैं। जितनी चीजें आसमानों और जमीन में हैं, सब उसकी तस्बीह करती रहती हैं, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। لقد خلقنا الانسان في كبد, बेशक हमने इंसान को बड़ी मुशक्कत में पैदा किया। सूरह इंशिकाक के अंदर भी इस तरह की आयत आई थी, मैंने डिटेल बोली थी कि हर शख्स मुशक्कत में पैदा किया गया, पैदाइश से लेके मरते दम तक इंसान मुशक्कत में, खुसूसन जब वो जवानी की उम्र में कदम रखता है तो मुशक्कत में इजाफा हो जाता है, और वक्त के साथ साथ इंसान पे बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है। इंसान की मसरूफियात बढ़ जाती हैं, इंसान की तक